Breaking kan ya? Breaking kan? Ya, breaking kan dia pun kopi nanti kan. Bumeran. Cost to book that to Karabi.
And the caves in the sea. We are in the caves in the sea. Hello friends, hi guys, how are you? बहुत बहुत थैंक्स आपका, इतना आप प्यार दे रहे हो. और जो मैंने एक सबसे पहले एक पोस्ट डाली थी अपने ट्रिप के लिए कि जो मेरे कंट्री बताएंगे पहले तीन, तो उनको मैं कैशबैक दूंगा. तो मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा वो तीन पर्सन जो हैं कैशबैक के लिए. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड रिस्पेक्ट अपने जसमीत पाजी के लिए, टर्बो टॉयज के लिए. बस अब रूम में आ गए थे आज हम, और जेम्स बॉन्ड आइलैंड में गए थे हम. तो ये मेरा रूम है, इट्स ए सुपर लग्जरी सूट विद जैकूजी एंड ऑल द फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग. यहीं से इसका वे आउट है, आप देख सकते हैं. इट्स अ वेरी बिग बिग रूम, नॉट अ बिग 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 रूम.
ये हमारा वाटर ड्रॉप, सॉरी ये मेरा वाटर ड्रॉप है, सॉरी थोड़ा मेसी है विद किड्स, ऐसा हो जाता है। ये मेरा मतलब पर्सनल जैक्यूजी, मेरा वॉशरूम, बाथरूम, सामान। मैंने चॉकलेट ली है, मैंने पहला घी ले ली और एक मैंने ली है हाँ मेरी चॉकलेट, मेरी का चॉकलेट M&M। रेड बुल एक्स्ट्रा B12 वाइटामिन, हाई वाइटामिन, वाव ब्यूटीफुल की द क्वालिटी। दिस इज अ फुकेट वॉकिंग स्ट्रीट, फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं फुकेट के सबसे बड़े मॉल में, सेंट्रल मॉल में, और हम ये जा रहे हैं टुटुक में। थाईलैंड में सबसे सस्ती ड्राइव ट्रैवलिंग आप टुकटुक से कर सकते हैं, बारगेनिंग करिए, मांगते हैं जैसे 400 बाट 300 बाट, थोड़ा आप उसको हाफ करिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो मान जाते हैं। तो ये हम टुकटुक में जा रहे हैं, आराम से 8 बंदे 2 बंदे बैठ सकते हैं, 8 बैठो या 2 लेके जाओ, पैसे होते लगेंगे बट यू नो बार्गेनिंग आप थोड़ा करो तो हो सकता है। सिंपल सॉबर ड्राइव है टुक टुक की, इजी। अभी हमने टैक्सी के लिए उबेर में किया तो वो 500 बाट मांग रहे हैं, और हमने टुक टुक करी 350 बाट में, 150 बाट बचा लिए। बाट बचाने की है मतलब, तो एक यू नो जितने बच सकते हैं बचाओ। हे गाइस सेंट्रल मॉल में आ गए हैं, मेरे 500 बाट दिए थे तो 200 बाट, सेंट्रल फुकेट, सेंट्रल फुकेट मतलब बिल्कुल सेंटर का ये फुकेट का। हे गाइस सेंट्रल मॉल में आ गए हैं, मेरे 500 बाट दिए थे तो 200 बाट, सेंट्रल फुकेट, सेंट्रल फुकेट मतलब बिल्कुल सेंटर का ये फुकेट का। गाइस ये जस्ट हैविंग ए लंच, थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं हर चीज़, कॉर्न डॉग है ये, किस वाला के कॉर्न हॉट डॉग। उसके बाद हमने ये लिया जापनीज लॉन्ग पोटैटो, ये टेस्ट कर रहे हैं हम, ये पोटैटोज है विद चीज़ टॉपिंग्स, this one। We are eating at KFC। Very nice quality। बहुत अच्छा फूड है यार थाईलैंड का।
मतलब गाइस मैं आया हूँ पेटोंग बीच, रियली ब्यूटीफुल है यार, क्या ब्यूटीफुल नेचर है, जबरदस्त जबरदस्त, क्या सफाई, क्या क्लीनिनेस, नीटनेस, इतनी साफ सफाई, मैं कह रहा हूँ गाड़ियाँ देखी है मैंने, एक भी स्क्रैच नहीं मिला, टुक टुक गाड़ी है ना, टुक टुक जैसे वहाँ पे ई रिक्शा होता है, ई रिक्शे टूटे फूटे होते हैं यहाँ, टुक टुक जैसी ई रिक्शा जो है, मतलब ऐसे चमक रही है कि जैसे अभी शोरूम से आई है, सब जो है यहाँ का सिस्टम देख के, सब क्या गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, और इंडिया का साला 3 रुपया वहाँ, मतलब बैंकों का 1 रुपया है, क्या वैल्यू है यार हमारे पैसों की, कुछ भी नहीं है। बाकी गोवा आने से अच्छा मतलब थाईलैंड आ जाए, फुकेट आ जाए फैमिली के साथ, बहुत बढ़िया रहेगा, वैल्यू फॉर मनी है ब्रदर। बाकी इंडिया को भी बड़ा कुछ सुधारना, फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रूट देखो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, फ्रेश फ्रूट देखो, हमारा मैंगो शेक बन रहा है, ये आंटी बना रही हैं स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड ऑफ पुकेट, स्ट्रीट फूड मार्केट, इधर रश। मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, आपका जसमीत भाजी टर्बो टॉयज से, टर्बो टॉयज इंडिया, क्योंकि सारी गाड़ियाँ ऑल ओवर इंडिया सेल करते हैं। आज हम फुकेट को मतलब लीव कर रहे हैं, मतलब फुकेट से अब हम जा रहे हैं करावी, फुकेट का हमारा 6 दिन का स्टे था, आगे हम करावी जा रहे हैं, और बहुत सारे मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई लोगों का मैसेज आया, DM आया है कि भाजी कहाँ हो, क्या लोकेशन है, क्या ज़बरदस्त इन्जॉय कर रहे हो। मैं एक्चुअली में सारा वर्ल्ड घूमा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट ट्रैवल्ड हूँ पूरा वर्ल्ड, मतलब 2 कंट्रीज ऑलमोस्ट रह गई हैं, मतलब जो पॉपुलर कंट्रीज हैं मेरे ट्रैवल्ड हुए, कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अभी बस जाना है, और एक लंडन, वो आगे वाले प्रोग्राम बनाएंगे आने वाले टाइम पर। बट अभी सबका मैसेज आ रहा है भाजी कैसे आए हम, कहाँ पर आए, आप लोकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप थाईलैंड आना चाहते हैं तो थाईलैंड आने से पहले सबसे पहले तो ऑन अराइवल वीज़ा है वो ठीक है, इजी है। एक और प्रॉब्लम ये आई कि मैंने भी ऑन अराइवल वीज़ा लिया, उस पर 2 तरह के वीज़ा होते हैं, ऑन अराइवल एक्सप्रेस एंट्री एक्सप्रेस सर्विस और एक नॉर्मल सर्विस। नॉर्मल सर्विस में वीज़ा देते हैं 300 बाट कम है, बेसिकली 4000 बाट लेते हैं नॉर्मल सर्विस में, और जो एक्सप्रेस में है उसमें लेते हैं 4500 बाट्स, मतलब 300-400 रुपये का फ़र्क है, 500 रुपये का। तो फ़र्क ये है कि एक्सप्रेस सर्विस लेते तो एकदम इंस्टेंटली वीज़ा दे के वो फटाफट भेज देते हैं एयरपोर्ट से जाओ, नॉर्मल वाले को थोड़ा परेशान करते हैं जानबूझ के, भी लाइन में खड़ी कर देते हैं, ये डॉक्यूमेंट चेक कर, वो डॉक्यूमेंट चेक कर, ये फलाना ढकलाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर हमने खड़े रहे, फिर हमने कहा छोड़ो यार अपना एक्सप्रेस सर्विस लेते हैं। बस एक्सप्रेस सर्विस लेने के बाद बस हम मुश्किल से 10 मिनट में हमने अपने बोर्डिंग पास से अपने लगेज लिया, उठाया, बाहर टैक्सी ली, और बस टैक्सी थोड़ा सा एयरपोर्ट के अंदर में लाइक थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बाहर आके वो भी जैसे आम वो मांग रहे 3000 या 2000 बाट, तो मतलब बाहर में मतलब 500-700 बाट और कम कर देते हैं। और अगर जो बस मेन बताना चाहता हूँ जो वीज़ा के लिए, ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, एक तो अपनी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके आओ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि यहाँ पे 500 बाट की है, समझ लो 800 रुपये की आप 4 पासपोर्ट की फ़ोटो के पैसे दे रहे हो एयरपोर्ट के अंदर। इससे अच्छा अपनी ऑन अराइवल वीज़ा के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जरूर लेके आना साथ में, प्लस थाई पास लेके आना है, जो आपको 2-4 दिन पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर थाई पास के अंदर आपको अपनी वैक्सीन की सर्टिफिकेट
आपको अपने टिकट, आपको होटल बुकिंग, थाई पास होता है जो ये मांगते हैं, तो थाई पास हो, आपकी इंश्योरेंस भी मांगते हैं, तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी चाहिए, इंटरनेशनल इंश्योरेंस कम से कम मिनिमम $1,00,000 की वो मांगते हैं इंश्योरेंस, और ज़्यादा महंगी नहीं है, 2,000 रुपये के आसपास की हो जाती है एक बंदे की, कई बार सस्ती डील भी मिल जाती है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो गोवाई वीवो से, मैंने सारा ट्रिप गोवाई वीवो से बुक किया है, मेरे को एजेंट से बड़ी मुश्किल हुई, बड़ा परेशान करते हैं ये वो फलाना निकलाना, सबसे बेस्ट है गोवाई वीवो या मेक माई ट्रिप से, मैंने पूरा ट्रिप मैं यूरोप गया, अमेरिका गया, जहाँ भी गया, पहले सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारा कुछ मैंने गोवाई वीवो से बुक किया था, सब कुछ अपने आप, बस सर्विस, एयर टिकट्स, होटल्स, हर चीज़ सर्वे करके खुद ही मैंने बुक किया है, तो बेस्ट रहता है। बस आप थाईलैंड में बस यहाँ पे पास, मतलब आपको जब ये सारी चीज़ें आपकी वैलिड हैं, इंश्योरेंस, थाई पास और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, दोनों डोज का होना चाहिए, जिस पे पासपोर्ट नंबर लिखा होना चाहिए, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आप कोविन से डाउनलोड करके अपने फ़ोन नंबर से OTP से तो वो सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, पासपोर्ट उसमें जरूर डाल देना, उसके बिना भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। बस ये जो मेरे भाई लोग अभी आ रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से 7-8 सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं, फॉलोअर्स हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, फ्रेंड्स सारे कुछ हैं मेरे, तो उनका DM आया, तो उनको उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, और भी कोई आना चाहता है थाईलैंड या फुकेट कहीं भी जाना चाहता है, पटाया, बैंकॉक, तो ये आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे DM आए जा रहे हैं तो वो जानकारी ले रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये बेस्ट तरीका है, मैं आपको मतलब एजुकेट कर दूँ कि ऐसे आपने थाईलैंड में आना है, ईजी है, कोई सिंपल वाली कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस अपने आपके आने जाने की टिकट होनी चाहिए, तभी वो ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं, ये ध्यान रखना, यानी कि वन साइड टिकट लेके आओगे तो आपको वीज़ा नहीं देंगे, वो आपको बुक करानी पड़ेगी आने की टिकट, तब वो वीज़ा देते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखो, तो इन्जॉय करो थाईलैंड में आके, सबसे बेस्ट है। बस अभी हम मतलब जैसे पुकेट से हम निकले, हमने एक टोयोटा की लाइक बिग वैन बुक करी है प्राइवेट, पूरी पीछे लगेज भी पूरा है हमारा, बहुत प्यारी वैन है, होटल से बुक हो रही थी 3,000 baht की, बस बाहर बार्गेनिंग करते करते 2,500 में बुक हुई है, 2,500 में लाइक आराम से हम 4 बंदे फैमिली लगेज सब कुछ इजी प्राइवेट वे में आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, और आराम से जा रहे हैं, 3 घंटे की ड्राइव है फ्रॉम पुकेट टू करावी, बस इंजॉय कर रहे हैं, अभी स्टेशन में रुके हैं फॉर टॉयलेट एंड समथिंग, सब फूड, मेन हाईवे है, इन्जॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार, सारे भाई लोग कह रहे हैं कि भैया सारी पिक्चर्स अपलोड करो आप स्टेटस पे, स्टोरी पे, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके बहाने, हम पूरा थाईलैंड, पूरा पुकेट ये सब देख रहे हैं जो नहीं गए हुए हैं, कल लाइव वीडियो भी मैंने डाली थी वॉकिंग स्ट्रीट की, वो तो चीज़ों की, काफ़ी सारे पुकेट में चीज़ें हैं घूमने के लिए, हम फीफी आइलैंड गए, वहाँ लाइव डाली मैंने, आप सबने देखी, टाइगर यहाँ पे पार्क है, टाइगर के साथ आप लाइवली टच कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और फीफी आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फीफी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड घूम सकते हैं, सेंट्रल मार्केट है यहाँ पे, स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं, पैटोंग बीच है, वॉकिंग स्ट्रीट है, मतलब सारे क्लब्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं यहाँ पुकेट में, बहुत बड़े बड़े क्लब्स, इंटरनेशनल क्लब्स हैं, और आप बाइक भी हायर कर सकते हैं, कार हायर कर सकते हैं बड़ी ईजली, सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, लोग अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट बड़े पक्के हैं अपने काम के, पैसों के चिढ़ते हैं मतलब बार्गेनिंग करोगे ना तो चिढ़ते हैं आपसे वो, मतलब थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लो और परिचय करके करो, चिढ़ते तब है जैसे सामान देखी जा रहे हो, बार्गेनिंग करी जा रहे हो, ले नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, तक भी खाते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करो, यहाँ पे ना फॉरेन टूरिस्ट बहुत है, इंटरनेशनल, यूरोप से, लंडन से, मतलब अमेरिका से, तो एक हब है ये टूरिस्ट का, तो वो कुछ बार्गेनिंग नहीं करते, जो बात है उनके लिए तो कुछ है ही नहीं रुपए, उनका तो $1 यहाँ का तो बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं उनके, हमको नुकसान है, 3 रुपए इंडिया के, यहाँ का 1 रुपया, कोई वैल्यू नहीं इंडिया के भाई, और इतनी अच्छी ब्यूटीफुल जगह है, सब कुछ मेंटेन है, तो वहाँ तो बस गवर्नमेंट एक पार्टी से कट के दूसरी पार्टी से करके तीसरी पार्टी, तीसरी चौथी, बस यही लगा हुआ है, चलो सही है, और बताइए, एंजॉय करो आप स्टोरीज मेरी।
चुके हैं अपने कराबी के रिसोर्ट में, बीच रिसोर्ट है। देखो कितना प्यारा न्यारा हमारा रूम, ये देखो। बेस्ट पार्ट स्विमिंग पूल एसएस रूम्स। ये मेरा आउटसाइड गैलरी है, ये वाटर स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तीन पूल हैं यहाँ पे, बिल्कुल बीच के साथ है, बीच पे रिसोर्ट है। बेस्ट पार्ट इनका भी बच्चों का जो किड्स है रूम, इनका भी साथ में, मतलब अंदर से ही हमारा है जॉइंट लग्जरी सूट है ये किड्स का। डबल बेड, ए बड़ी, ये इनका ओपन बाथ टब किड्स का, नो डोर्स है। वाह ब्यूटीफुल। क्या बेमिशमार रिसॉर्ट्स हैं यार थाईलैंड के अंदर। तो फ्रेंड्स बस स्विमिंग करके आए हैं, जस्ट रिलैक्सिंग। और बताओ कैसे चल रहे हैं वहाँ इंडिया में? बड़ी गर्मी है वहाँ, यहाँ बहुत बढ़िया मौसम है, ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल ओशन सी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, के हालचाल सबके? स्विमिंग करी आज, पूरा दिन रेस्ट किया, रिलैक्स किया, स्पा किया, मसाजिस करी, सब कुछ आज रिलैक्स मोड पे। और अब बस, अब मेरी डॉटर का बर्थडे है, तो बस आज हम एक रात को केक काट चुके हैं, अभी एक केक काटने वाले हैं। तो अभी हम रिसॉर्ट पे घूम रहे हैं, व्यू देखो ब्यूटीफुल है। आप सबकी विशेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्टोरीज को इतना पसंद कर रहे हो, इतने मैसेज आ रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने का। आप कह सारे ही कह रहे हैं कि स्टोरीज़ में पाजी हम थाईलैंड घूम रहे हैं आपके साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट लव, आई रियली सल्यूट यू सर, एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टोर्स में बियर और ब्रीजर कैंस का धमाल है, खुली पियो। किधर है ये तो पूछ? सारे स्टोर्स में 7-Eleven के स्टोर्स में बियर और ब्रीजर कैंस का धमाल है, खुली पियो। सारे स्टोर्स में 7-Eleven। Hey guys, here is Aston Martin स्पोर्ट्स कार। ये गाइस साथ साथ सी चल रहा है, और ये मेरे मार्केट है लाइक हाउनांग की सबसे मेन मार्केट,
खराबी जिसकी वजह से जाना जाता है आउनांग। आउनांग आइलैंड है ये खराबी का सबसे मेन। ये देखो आंटी जी भी आई है केरला से। बाहर देखो एक भी स्क्रैच नहीं है। देखो उसे एक बार आप, मैं करके जा रहा हूँ सारी कार्स की वीडियो, एक भी स्क्रैच नहीं है। बताओ तो स्क्रैच है, नीट एंड क्लीन कार्स। हे गाइस, इज एस्टन मार्टिन स्पोर्ट्स कार। फ्रेंड्स आई एम जस्ट केम टू शूटिंग रेंज। ये सारी ओरिजिनल गन्स हैं, पॉइंट .88 बेरेटा विल्सन, पॉइंट .22 LR स्नाइपर्स, सारी ओरिजिनल। बस ये शूटिंग कर रहा हूँ ब्रदर। अब मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ, ये मेरी गन है ओके। एक शूटिंग रेंज ओरिजिनल आई तुम इसकी वीडियो करते हुए। आई कैन अगेन पुश सदगा नहीं यार। नॉट कमिंग
ओके गॉगल्स पहननी है आप डू दिस करियो गॉगल्स पहननी है हां एक बार दे दे गॉगल ला दे पापा की बैग में
मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है मेरे भाई लोगों। आज बस लास्ट डे है हमारा थाईलैंड में, तरावी में हैं हम अभी। हम ऐसे मॉर्निंग के यहाँ पे बजे थे, एक आया हूँ बैठा हूँ यहीं पे। गाइस बस बैठे हैं तैयार ओके। बस हमारे टैक्सी आने वाली है टू एयरपोर्ट, एक बार विजिट करने आए थे। बस बैठ के ठंडी हवा ले रहे हैं फुल बीच पे। पीछे हमारा ये टुक टुक है, ये देखो मस्त नजारा देखो। अच्छा तेज है, ओके कम सून। ओके गाइस बस बैठे हैं तैयार ओके। बस हमारे टैक्सी आने वाली है टू एयरपोर्ट, एक बार विजिट करने आए थे। बस बैठ के ठंडी हवा ले रहे हैं फुल बीच पे। लेट्स रोल बैक। हे फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबके। अब करावी एयरपोर्ट आ गए थे हम 4 घंटे पहले, बट यहाँ वाकई लगा कि 2 घंटे पहले बोर्ड इन होता है। चलो हे गाइस, बस अब हम बोर्ड इन कर रहे हैं अभी करावी से दिल्ली वाली, सॉरी करावी से अभी बैंकॉक, फिर बैंकॉक से दिल्ली। स्वादिका स्वादिका, गुड नाइट, टेक केयर। ये फ्लाइट आ गई। कितने रूम बेटा? 3 मिनट। ए बी सी होगी ये नहीं है, एक यहाँ होगी। चलो बच्चों गो, जाओ आप जाओ ना। नहीं मैं एंड में बैठूंगा। एंड में बैठेगा वो, वॉशरूम जाना होता है। हम बैठ चुके हैं, थाई स्माइल है ये, लोकल एयरलाइंस है और टूवर्ड्स बैंकॉक। बैंकॉक से भी था एयरवेज। ओके गाइस, मिलते हैं फिर इंडिया में, टेक केयर। नाइस बाय। ये लो मैं चोको पाई खा रही हूं। ऑरेंज ऑरेंज आधी आधी खा लेना ना। बैंकॉक थाई एयरवेज में ये 222 है फ्लाइट, जो ये प्लेन है। ऑल फुल guys, just having a meal, non-veg meal with white wine.
Hey guys, बस अब हम बोर्डिंग कर रहे हैं अभी कराबी से दिल्ली वाली सॉरी कराबी से अभी बैंकॉक फिर बैंकॉक से दिल्ली स्वादिका स्वादिका गुड नाइट टेक केयर फ्लाइट आ गई हम बैठ चुके हैं थाई स्माइल है ये लोकल एयरलाइंस है और टुवर्ड्स बैंकॉक बैंकॉक से भी थाई एयरवेज ओके गाइस मिलते हैं फिर अब हम आगे बैंकॉक थाई एयरवेज में ये ट्रिपल टू है फ्लाइट जो Hey guys, अब हम आ गए हैं टर्मिनल 3 में इंद्रकांति इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बच्ची आ रही है ऐसे